हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रजेश। दोस्तों, अब हम 38 सम करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से है। लेकिन ये जो सिलसिला पूरा है, ये इम्पोर्टेंट सम्स का सिलसिला है, ठीक है। तो ये आपके 3 मार्क की कैटेगरी का, मतलब बोर्ड एग्जाम में जो 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, उस कैटेगरी का ये सम है। देखते हैं कैसे करना है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। चलिए देखते हैं। 2 different dice are thrown। सबसे पहले मुझे बताओ, 2 dice अगर थ्रो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आती है? कि एस इतने सारे आपको पॉसिबिलिटीज मिलेंगे, इतने सारे, तो मतलब एन ऑफ एस कितना हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए आपके? 36। काउंट करोगे तो 36 आता है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑब्टेन्ड हैव अ सम लेस देन 7। सबसे पहले आप लिखोगे, सबसे पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा, लेट A be the event of getting, क्या बोला मैंने, A be the event of having a sum less than 7। क्या बोला मैंने, event, A be the event of having a sum less than 7। तो therefore हम सबसे पहले A में क्या क्या आएगा वो लिखेंगे। A में क्या क्या आएगा? Less than 7, sum जो है आपका less than 7 होना चाहिए। तो लेस देन 7 आने वाले कौन से? देखो, इनका सम करो, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ये नहीं आएगा ना। ये चलेगा 6, सर लेस देन 7, 7 भी नहीं होना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जितने भी इस डायगोनल में आ रहे हैं सारे चलेंगे इसके ऊपर। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो आपको कितने मिल रहे हैं? 15। सो ये है 15। तो कौन से हैं? 1, 1, फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4, ठीक है, फिर 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, फिर 2, 3, और कौन से आ रहे हैं? 2, 4 आ रहा है, 1, 6 तो नहीं आएगा, 1.6 नहीं आएगा, 2.4 तो आ जाएगा, फिर 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, फिर 3.3 आएगा, 4.1 आएगा, 4.2 आएगा, फिर 5.1 आएगा आपको, 5.1। तो ये है, तो देखो नंबर ऑफ ए कितने आ रहे हैं आपके? नंबर ऑफ ए आपका आ रहा है 15। नंबर ऑफ ए आपको 15 आ रहा है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस विच इज इक्वल टू 15/36। क्या ये रिड्यूस होगा? यस, 3 5s are 15 और 5/12, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए। अब हम लिखेंगे, लेट बी विद इवेंट B with the event of having a product less than 16। क्या बोला? प्रोडक्ट लेस देन 16, ठीक है। तो प्रोडक्ट लेस देन 16 बी विद इवेंट, देयरफॉर आपके पास B के एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे? देखो, प्रोडक्ट लेस देन 16 का मतलब क्या, लेस देन 16 मतलब क्या, देखो 1, 1, 2, 3, 4, ये सब आएगा ना, पहले में तो 6.5 आ जाएंगे, इनफैक्ट 2 वाले में सब आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, 6, 2, 12, 5, 2, 10, 4, 2, 8, 16.5 से कम आ रहे, ये 3, 4, 12, 3, 5, 15, बस 3, 6, 18 नहीं आएगा, 4, 1, 4, 4, 2, 8, 12, 16 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 5, 1, 5, 5, 2, 10 आएगा, 5, 15 आएगा, बट आपको लेस देन 16 से 5, 20 नहीं आएगा, 6 आएगा, 6, 2, 12 आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो आपके पास आ रहे कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। सो देयरफॉर आपके पास, देखो बी के सारे एलिमेंट नहीं लिखूंगा मैं, बी के एलिमेंट यहाँ को मैंने दिखा दिए। सो आपके पास एन ऑफ बी कितना आया है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 25। So therefore probability of getting B is 25/36, which is equal to, क्या रिड्यूस होगा? वो नहीं होगा, 12, 3, 36, ये नहीं होगा, 5 के टेबल में आता है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी है। अब क्या करेंगे? थर्ड, इज इट ड्यूप्लिकेट ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब दोनों जो नंबर है डाइस पे सेम आने चाहिए बट लेकिन ऑड होने चाहिए, ऐसे कौन से हैं? 1, 1, ठीक है, 1, 1,
फिर उसके बाद 3-3, उसके बाद 5-5, कहां गया 5-5। तो ये तीन ऐसे ड्यूप्लेट हैं जो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेट सी सी विद द इवेंट ऑफ ड्यूप्लेट ऑफ गेटिंग डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स। सो देयरफॉर आपका सी में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, एक तो 1,1 आएगा, फिर 3,3 आएगा, फिर 5,5 आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर एलिमेंट्स इन सी कितने आ रहे हैं, एन ऑफ सी कितना आ रहा है 3। अगर आपको एन ऑफ सी 3 आया है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी इज कितना, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, सो दिस इज इक्वल टू 3/36 विच इज इक्वल टू 1/12, कितना है 1/12। तो ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स। सो आई होप दोस्तों मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कम्युनिकेट करिएगा, ट्राई करिएगा, कोई भी मीडिया से आप मुझे डाउट पूछने का, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने का। सो इसी तरीके के और वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करिए वीडियोस अपने दोस्तों के साथ, मेरे वीडियोस लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा मेरे चैनल पे जाके, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड प्रैक्टिस करो यार, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।